अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की के अंदर बहुत ही खतरनाक भूकंप आया है। काफ़ी बिल्डिंगें जमीन में धंस गई हैं और इसके अलावा काफ़ी लोगों की मौत हुई है, लोग घायल हुए हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 3 दिन पहले एक बंदे ने इसकी भविष्यवाणी की थी। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था इसके बारे में कि तुर्की के अंदर भूकंप आने वाला है, इतना खतरनाक। तो आखिर उन्हें जो है इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि जलजले के बारे में कोई भी इस तरह से नहीं बता सकता कि कब जो है ये आएगा। और इसके अलावा जवाजात की तरफ से एक खबर आई है, जो लोग विजिट वीजा पर आते हैं सऊदी अरब, तो उनको इकामा देने के बारे में कुछ जो है उसमें शर्तें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को मिलेगी। और इसके अलावा भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तुर्की के अंदर बहुत ही खतरनाक जलजले आए हैं, जिसकी वजह से जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ अब तक 912 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 5383 लोग जख्मी हो गए हैं। और अभी जो है और आशंका जताई जा रही है कि यह नंबर जो है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि लोग जो है मलबे के अंदर दबे हुए हैं। तो आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूकंप इतना खतरनाक था कि परमाणु रिएक्टर पर 7.7 और 7.8 भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर लगभग 17.9 किलोमीटर अंदर मौजूद था। इसके अलावा यहाँ पर मैं अब आपको वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा जो कि 3 दिन पहले किया गया है, एक डच बंदा है। और ये पहले मैंने सोशल मीडिया पर जो है देखा, लेकिन मैं भी इसको जो है फेक समझ रहा था, क्योंकि ऐसे में जो है बहुत लोग फेक जो है बना करके यानी डाल देते हैं व्यू के लिए, लाइक के लिए। लेकिन वाकई में मैंने इस अकाउंट पे जाकर चेक किया और आप भी जो है जाके चेक कर सकते हैं। इस बंदे ने 3 दिन पहले ही ये ट्वीट किया था कि तुर्की के अंदर, लीबिया के अंदर और सीरिया के अंदर 7.5 डिग्री का भूकंप आने वाला है। तो आखिर इस बंदे को इसके बारे में कैसे पता चला। और इसके अलावा गैर मुल्की लोगों के लिए जवाजात की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, जो लोग अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाते हैं विजिट वीजा पर, यानी फैमिली विजिट वीजा जो है इशू करते हैं, तो जो लोग सिंगल फैमिली विजिट वीजा पर अपने लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने अपशर अकाउंट के थ्रू फैमिली विजिट वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ शर्तें बताई गई हैं। और इसके अलावा एक कंडीशन यहाँ पर यह भी बताई है कि जो लोग विजिट वीजा पे आ रहे हैं सऊदी अरब, तो उनको इकामा भी दे दिया जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली शर्त यहाँ पर यह बताई है, जिनकी आप विजिट वीजा एक्सटेंड करना चाहते हैं उनकी विजिट वीजा एक्सपायर होने में कम से कम 7 दिन होने चाहिए, यानी 7 दिन बाकी रहेंगे तब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन गुजर जाएंगे तो फिर आपको पेनल्टी जमा करनी होगी। इसके अलावा विजिट वीजा होल्डर सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए और उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा वीजा को एक्सटेंड करने के लिए उसकी फीस भी आपको जमा करनी होगी। इसके अलावा जिसकी आप विजिट वीजा को एक्सटेंड कर रहे हैं उनका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा जिसकी आप विजिट वीजा को एक्सटेंड कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बताई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है अगर मान लीजिए माँ और बाप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं एकामे पर, यानी एकामा होल्डर हैं, और वो अपने बच्चे को विजिट वीजा पे बुला रहे हैं सऊदी अरब, तो वो अपने बच्चों के लिए एकामे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनके बच्चों का एकामा बना दिया जाएगा अगर उनके बच्चे की उम्र 18 साल से कम होगी तो। लेकिन शर्त यहाँ पर यही है कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके पास में एकामा होना चाहिए। और इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है और ये सऊदी अरब के अंदर पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि फर्स्ट एड फीमेल वर्कर को तैनात किया जाएगा मेडिकल सर्विस देने के लिए इमरजेंसी केसेस में। मान लीजिए अगर किसी की एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होती है आते हुए या जाते हुए, मान लीजिए एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स मौजूद हैं उनमें से किसी की जो है अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, तो ये जो फीमेल वर्कर होंगे वहां पर ये उनकी हेल्प करेंगे, उनको फर्स्ट एड जो है वहां पर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी सर्विस है। और इसके अलावा एक खबर सऊदी वजारत बलदिया की तरफ से आई है गैर मुसलमानों के कब्रिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान है, यानी जहां पर गैर मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है, वो सिर्फ जद्दा के अंदर मौजूद है और इससे जो है काफी परेशानी होती है। मान लीजिए गैर मुस्लिम किसी और इलाके में जो है वो मर जाता है तो उसको जो है जद्दा के अंदर ही दफनाया जाता है। यहाँ पर सऊदी वजारत बलदिया की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में गैर मुस्लिम लोगों के लिए कब्रिस्तान बनाए जाएंगे ताकि उनको जल्दी से वहां पर दफन किया जा सके, क्योंकि सिर्फ जद्दा के अंदर जो है कब्रिस्तान है जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है दफन करने में। और इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक भाई ने सवाल किया है, सन 2013 में कफील ने उनके ऊपर हुरूब लगा दिया था
जिसकी वजह से उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। तो क्या आप वो नए वर्क वीजा पे सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तो नया कानून बन गया है, अभी अगर कोई भी डिपोर्ट होता है तो वो कभी भी नए वर्क वीजा पे सऊदी अरब नहीं आ सकता। देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन लोगों को पहले भी डिपोर्ट किया गया है, चाहे वो कितने साल पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, यानी उनके ऊपर भी लाइफ टाइम वाली पाबंदी लगा दी है। वो सऊदी अरब अब किसी भी नए वर्क वीजा पे या किसी भी वीजा पे नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और भाई ने सवाल किया है एकामे की वैलिडिटी बढ़ाने के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने ये सवाल किया है कि उनके एकामे में अभी खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं, अगर मान लीजिए वो अभी इसको एक्सटेंड करा लेते हैं तो जो वैलिडिटी होगी, जो टाइम होगा एकामा एक्सटेंड का, वो आज से ही शुरू हो जाएगा, या मान लीजिए 3 महीने के बाद जब उनका पहला एकामा एक्सपायर होगा वहां से 1 साल जो है फिर गिना जाएगा। यहाँ पर जवाजात की तरफ से ये बताया गया है, अगर मान लीजिए आपका एकामा 20 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आप जो है उसको 20 दिसंबर को ही उसको रिन्यूअल करा लेते हैं 1 साल के लिए, तो आपका जो टाइम होगा वो 20 मार्च से 1 साल गिना जाएगा, ना कि 20 दिसंबर से। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्की से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।